चलती कार में एक्ट्रेस के साथ रेप करने के मामले में अब पुलिस ने एक्टर दिलीप के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया है क्राइम ब्रांच ने दिलीप और अन्य पांच लोगों के खिलाफ एक नया केस रजिस्टर किया है रिपोर्ट्स के मुताबिक दिलीप और उनके दूसरे साथियों ने इस केस की जांच करने वाले अधिकारियों को धमकी दी थी ये मामला साल 2017 का है जब एक मलयालम एक्ट्रेस ने साउथ सिनेमा के सुपरस्टार दिलीप सहित कई लोगों पर यौन शोषण का आरोप लगाया था दिलीप को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया था लेकिन बाद में उन्हें एक लाख के बॉन्ड पर जमानत मिल गई कुछ दिन पहले इस मामले में निर्देशक बालचंद कुमार ने एक बड़ा खुलासा किया था बालचंद के मुताबिक रेप करने के बाद एक्ट्रेस का वीडियो भी बनाया गया था जब वो दिलीप से मिलने उनके घर पहुंचे थे तो उनके आदमी इस वीडियो के बारे में बात कर रहे थे और वो वीडियो की आवाज़ को एडिट करने के लिए कह रहे थे इसके कुछ दिन बाद कुछ ऑडियो क्लिप्स भी सामने आए जिनमें दिलीप साफ साफ जांच अधिकारियों को इस केस के लिए धमका रहे हैं अब पुलिस ने इन सभी को आधार बनाकर एक नया केस दर्ज किया है ताकि दिलीप को फिर से गिरफ्तार किया जा सके ताकि वो जेल से बाहर ना निकल सकें सबसे ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि इतना हाई प्रोफाइल केस होने के बाद भी आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय हमें कमेंट में बताइए और भी ज्यादा ऐसी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए